हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आज बात करने वाले हैं हम वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है। प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये ज़रूर जानना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक बात है कि वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए, हमें टर्म क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक डाटा आइटम होता है। क्या होता है? वेरिएबल इज अ डाटा आइटम। क्या होता है? डाटा आइटम होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? एक डाटा आइटम होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू इसकी जो होती है वो हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। हम एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में कोई चीज़ रखी जा सकती है, रखी जा सकती है या नहीं। चलिए सपोज करिए मैंने इस डब्बे में क्या रख दिया, मैंने इस डब्बे में रख दिया वन, ठीक है। मैंने इस डब्बे में क्या रखा है, वन रखा है, ठीक है। इस डब्बे में कुछ और भी रखा जा सकता था, ऐसा नहीं है कि इस डब्बे में वन ही रखा जा सकता है, इस डब्बे में कुछ और भी रखा जा सकता है। तो ये जो है यही वेरिएबल कहलाता है, ये वेरिएबल है। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, इसी को हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी ये बात, इसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कोई भी डाटा आइटम, जैसे वेरिएबल एक तरह का समझिए डब्बा है, और उस डब्बे में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं, और वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। भाई हमारे पास डब्बा है तो हम उसमें बिस्किट रखें, टॉफ़ी रखें, हम उसमें दाल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, कुछ भी तो रख सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड हो है कि हम क्या रखते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसा डाटा आइटम होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, वही वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अब वेरिएबल और क्या हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, ठीक है, तो हम ए नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया, ठीक है। अब इस ए के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और भी हो सकता है, ये वन ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये यहाँ पर जो वेरिएबल हमने लिया है इसमें वन रखा है, ये कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है कि ये टू हो या कुछ और भी हो, ठीक है। ये तो कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा डाटा आइटम होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है, वो स्थिर नहीं रहती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे मैंने एक डब्बा बनाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस डब्बे को, यहाँ पर रखा है वन, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस वन को हटा सकता हूँ, और हटाकर इसके बदले कुछ और भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और, मैं यहाँ पे डब्बा बनाता हूँ, देखिए ये डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में हम कुछ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने कुछ रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने दो रख दिया, ठीक है, दो, ठीक है। अच्छा, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इस डब्बे में कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या रख दिया, आप इसमें रख दिया 90, ठीक है। क्या रख दिया, 90 रख दिया, यानी 90, ये देखिए ये रख दिया हमने 90। तो वेरिएबल वो डाटा आइटम होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम बी ले लें, जैसे मान लीजिए ये बी है, ठीक है, तो बी में हम क्या रख सकते हैं, बी में कुछ भी तो हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल एक ऐसा डाटा आइटम होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।